हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की, आपको बताऊंगा कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्रीज पास करी जाती है टैली प्राइम में। तो चलिए, टैली प्राइम ओपन है, सीधा कहां चलेंगे, वाउचर पर। वाउचर पर जाने के लिए आपको वी हाईलाइट दिख रहा होगा, वी ही प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से खाली वी बटन प्रेस कर दीजिए, हम आ गए वाउचर में। अभी देखिए, पेमेंट वाउचर एक्टिव है, तो जितने भी पेमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, अगर आपने कुछ परचेज किया है तो उसका आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या अगर आपका कुछ बकाया है तो आप भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एंट्रीज जो है पेमेंट वाउचर में होती हैं। दूसरा जो वाउचर है, यहाँ पर ऊपर सबसे दिख रहा है F4। देखिए, पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की है F5 है, और जो F4 है वो कंट्रा वाउचर की होती है। तो अपने ही खाते में लेन देन करने के लिए जो वाउचर यूज होता है उसे कंट्रा वाउचर कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की F4 होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिसिप्ट में। तो जो भी हम सेल करते हैं उसकी रिसीविंग, पैसे की रिसीविंग की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में पास करते हैं, या कंपनी में जो फंड हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी भी एंट्री हम किसमें पास करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। जनरल वाउचर, जो एंट्रीज कहीं भी पास होने लायक नहीं होती है, ना तो पेमेंट, ना तो रिसिप्ट, ना तो कंट्रा, ना तो परचेज, ना तो सेल, उसको हम जनरल वाउचर में पास करते हैं। अब आप कहेंगे कैसी एंट्री जनरल वाउचर में पास होगी, तो इसका मतलब ये है कि TDS वाली एंट्री आप जनरल वाउचर में पास कर सकते हैं। TDS ना तो पेमेंट होता है ना तो परचेज होता है। उधार वाली एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, उधार वाली एंट्री आप जनरल वाउचर में नहीं पास करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, सेल्स वाउचर जो आता है, इसकी शॉर्टकट की F7 F8 होती है। F7 तो जनरल वाउचर की होती है, F8 से सेल्स वाउचर में जाते हैं, जो भी सेलिंग का काम है वो हम F8 दबा करके, फिर सेल वाला जो भी है, जो भी हमें सेल करना है, तो सेल्स का काम जो है हम किसमें करते हैं, F8 यानी सेल्स वाउचर में। परचेस का काम, यानी जो भी हम परचेस करके लाते हैं वो हम कहाँ एंट्री पास करते हैं, परचेस वाउचर में, ठीक है। यहाँ पर अदर वाउचर का ऑप्शन दिया गया है, F10 करके अदर वाउचर में चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट वाली एंट्री Alt F6 से होगी, शॉर्टकट की यही होती है, और Alt F6 करके क्रेडिट नोट में जाएंगे। अगर आपने कोई सामान बेचा है और जब वो रिटर्न आता है तो आप अपने यहाँ क्रेडिट नोट में एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो होलसेलर पार्टी है उसने सामान बेचा है, और जो लोकल सप्लायर पार्टी है वो जो है वापस कर रही है सामान, तो ऐसे में वो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, क्रेडिट नोट में। लेकिन जबकि लोकल सप्लायर को कोई सामान वापस मिलेगा तो ऐसे में वो एंट्री पास होगी डेबिट नोट में। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F5, ठीक है। जनरल मैंने बताई दिया, F7 पेमेंट बताई दिया, परचेज बताई दिया, बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टॉक देख सकते हैं, इन्वेंट्री वाउचर है ये, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F7। फिजिकल स्टॉक, जो स्टॉक है नहीं लेकिन फिजिकल स्टॉक आपको दिखाना है, एक स्टॉक जनरल होता है जिसकी शॉर्टकट की Alt F7 होती है, बाकी पेरोल Alt कंट्रोल F4 करके हम पेरोल में चले जाते हैं, ठीक है।